हिंदू विवाह कायदा आधीच मिसयूज म्हणून वापरला जात असून महिला या नियमाचा 90% मिसयूज करत आहे आणि पुरुष 10% देखील करत आहे, परंतु केवळ हिंदू विवाह कायद्यामुळे पुरुषांना न्याय मिळण्याची तरतूद नाही आणि केवळ स्त्रियांसाठी बनविला गेलाय, पुरुषांसाठी या कायद्यात काहीच नाही। या अन्यायामुळे पुरुष आत्महत्या करीत आहेत, तरीही यंत्रणा सुधारण्यास तयार नाही। न्यायदेवतांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते, परंतु न्यायालय अंध नाही किंवा सर्व समजत असूनही त्यावर काही कार्यवाही होत नाही का? असा हा अत्याचारी दहशतवादी आणि देशद्रोही हिंदू विवाह कायदा बंद करावा आणि पुरुषांना न्याय मिळावा म्हणून हक्क आयोग स्थापना करावी आणि महिलांवर खोटा आरोप सिद्ध करणाऱ्या महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना शिक्षा व्हायला हवी यासाठी न्याय मिळाला पाहिजे, नाहीतर आमरण उपोषणला कोर्टासमोर बसणार असे विकास महाजन, शशिकला गादिया, गणेश गुंजाल, मुकेश खनखे आणि पोटगी बंद आंदोलन चळवळीचे नायक अतुल झाझेड पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते। यावेळी हिंदू विवाह कायद्याची होळीही करण्यात आली आहे। पोटगी बंद आंदोलन छेडा हुआ है, जो प्रेस कॉन्फरन्स है, पोटगी बंद आंदोलन हिंदू विवाह कायदे की होळी, उसके लिए प्रेस कॉन्फरन्स है। ये हिंदू विवाह कायदा जो है इसका 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, एज वेल एज 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। लेकिन ये जो कायदा है, ये कायदा सिर्फ और सिर्फ महिला को फोकस बना के ही बनाया गया हुआ कायदा है। इस कायदे में कहां पर भी पुरुषों को न्याय मिलने का प्रावधान नहीं है। इस कायदे से उल्टा पुरुषों के ऊपर अन्याय हो रहा है। इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे, पेपर डिक्लेयर न्यूज है, लेकिन फिर भी कोई सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। या देवता के हाथ के ऊपर पट्टी लगी हुई है काली, कोई कोर्ट के या जज के हाथ के ऊपर पट्टी लगी नहीं हुई, लेकिन कोई चापर सुनने को तैयार नहीं है। अंधा कानून बोल सकते हैं, अंधा जज तो नहीं बोल सकते ना, तो वो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त इधर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में डिसीजन लग गया और या कुछ गलत है डिसीजन, तो वो बोलते हैं आप ऊपर जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? नीचे के जज में क्या पावर नहीं देने की? क्या उनको दिखता नहीं क्या क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है करके? आज एक जब मेरे सामने, आज मेरे बाजू में गुंडा करके है, इनके ऊपर इनके बीबी ने आरोप किया कि मेरे पति ने मुझे मारहाण किया, इसलिए बच्चा गिर गया, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और डॉक्टर के रिपोर्ट में ये क्लियर है कि ऐसी मारहाण कुछ भी नहीं हुई है, झूठा आरोप है साबित हुआ। दादा महिला के ऊपर झूठा आरोप का केस क्यों नहीं डाल सकता कोर्ट? इनका एग्जाम्पल लो, इनके पति ने इनके ऊपर आरोप किया, मेरे पति ने मुझे मारहाण किया, सास ससुर ने मारहाण किया, डॉक्यूमेंट्री मारहाण था, वो निकल मिली नहीं, इसका मतलब आरोप झूठा है। ये सब कुछ आरोप झूठे होते हुए भी कोई सुनने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी और यूजलेस हिंदू विवाह कायदा बंद होना चाहिए। पुरुषों को न्याय मिलने के लिए, पुरुषों के लिए पुरुष हक का आयोग स्थापित होना चाहिए, और जो महिलाएं झूठा आरोप करती है उन महिला के ऊपर भी केस फाइल होके उनको भी फाइल लाना चाहिए, उनको भी जेल में भेजना चाहिए। ये सबसे पहला होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक ये महिला को, ज्यादा महिला को सजा मिलेगी नहीं, ज्यादा महिला को जेल नहीं होगी, तब तक कोई सिस्टम सोचती नहीं है। खुद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तक जजमेंट ये है कि इस कायदे का मिस यूज ही हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी एग्जाम्पल ले लो, ये जो मेरे आगे जो बेटी है शशिकला गादिया, इनके पत्नी ने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में इनके कंपनी में जब आरटीए का लेटर दिया था, इनके पत्नी का ट्रीटमेंट था कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, हमें पता चला ये काम कर रहे हैं, तो हमने आरटीए का लेटर देने के लिए, तो इनका पति गया, इनका लड़का गया, तो जाने के बाद उसका वॉचमैन लड़के सोसाइटी का जो कंपनी उसका वॉचमैन, वहां पर तीन लेडीज, वहां पर वो कविता बोरा उर्फ गादी है, वहां पर वो खड़ी है, उसका डिलीवरी बोला है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कल कोर्ट में आती हूँ और मिर्चुला ट्रीटमेंट देने को तैयार हूँ। कितना वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका मैसेज भी है, ये सब कुछ होने के बावजूद कोर्ट ने पूरा देखा नहीं और डायरेक्ट बंदे को जेल में भेज दिया। ये क्या हुकुमशाही चली क्या? क्या कोर्ट को समझता है कि हमें कुछ कायदा पता है कि हमें बेहुकूम है क्या? हमें भी कायदा पता चलता है, आप हमें मजबूर मत करो बाहर निकलने के लिए। हमने कॉन्फ्रेंस दिया था, उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर निकाला था, आज सेकंड प्रूफ पूरा बाहर निकाल रहे, पूरा इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कोर्ट को पूरा देने को टाइम नहीं दे रहा है हमें, और कोर्ट के पास टाइम है पूरा देने के लिए। सेकंड पुरावा यह है कि जो इन्होंने समझ ना करा, जिसकी वजह से एक तरफा लॉकडाउन में भी 6 महीने में रिजल्ट लगा है, अभी तक 18,000 केसेस पेंडिंग है 5-5 साल से, उसका रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन इस केस का रिजल्ट तालुका लेवल पे 6 महीने में लग गया है। क्यों? तो समझ ना करा, समझ ना करा किसने बोला? जो इनका वकील था उन्होंने समझ ना करने को बोला, पहला समझ ना करा गया, बाकी के 2 समझ टोटली मैनेज हुए हैं, वो इंटरेस्ट आए ही नहीं। इस इतना बड़ा पूरा अभी इसमें उसका वकील शामिल है, उसके वकील को इनके जो महिला उद्देश्य पत्नी का वकील है कविता बोरा की वकील, उसने वकील ने बोला क्या समझ ना करने के लिए? दोनों के वकीलों को मिली भगत है क्या?
ये बलिदान जरूरी है। इसके साथ साथ उस कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई शामिल है क्या, क्या जज भी इस गुने में शामिल है क्या? अगर नहीं है तो उनको गुमराह किया गया है क्या? इस सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसलिए हम 3 तारीख को पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, जिसका हमने सुभाषनगर कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, चौकी को और सुभाषनगर कोर्ट को भी इन्हें पापर लीगल भेजा है। मेरे कैसे प्रॉब्लम था इसलिए मेरा बीबी ने ऐसा मामला किया करके तो ऐसा लेटर दे देके वो पुलिस स्टेशन में दे दिया और मेरा चौकी भी चालू कर दिया। लेटर में देखे तो दफ्तर का सर्टिफिकेट में कुछ क्लैरिटी है, कुछ भी काम नहीं, ऐसा पूरा मेरा जिंदगी वहाँ लगा दिया। आप माझ्या मुलाचं पण असंच आहे की ते सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत पण ते पुरावे आम्हाला सादर करायला त्यांनी टाइमच दिलेला नाही। आजी मी काय करणार, त्यांनी एवढी 20,000 पोडगी लावली आहे, मुलगा काही माझा कमवत नाहीये, फक्त ट्युशन घेतोय, ट्युशन मध्ये जर एवढे पैसे मिळत असते तर तो ह्याच्यात जेलमध्ये गेलाच नसता ना मग। तो दादा खड़के है, पुरुष हक का आयोग लड़ रहे हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका का फाइल किया पुरुष हक का आयोग के बनने के लिए। अब ये वोटर ने दोनों पार्टी का विचार किया पाहिजे, पुरुष आयोग बनने पाहिजे, पुरुष दक्षता समिति बननी पाहिजे, कौटुंबिक कायद्यामध्ये चौकशी पथक बनलं पाहिजे, एक तरफा विचार नाही केला पाहिजे, दोघांचा विचार केला पाहिजे, हे फक्त आदर्शवरती चालू आणि याच्यासाठी हे दोन्ही बाबी विचार करून असं थोडासा घेतली पाहिजे आणि थांबला पाहिजे। गोली करने वाले आज आ गया नहीं गोली तो जलाएंगे नहीं, टेंशन मत लो, पता है मुझे। अभी अभी आप एक वन बाय वन इधर तालिक लगा दो, हिंदू को कायदे के ऊपर लगा दो इधर। ओके, ये हिंदू का कायदे की हम होली करने वाले हैं और इसलिए इस कायदे को पट्टी में मिलाना चाहिए। ओके, मिसयूज हो रहा है अगर किसी महिला में या किसी महिला संस्था में या किसी वकील में अगर हिम्मत है तो मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, उनको सामने डॉक्यूमेंट साबित करके दिखाऊंगा इस कायदे का मिसयूज 90% हो रहा है। 90% मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 100% भी बोल सकता हूँ, 90% कायदे से बोल रहा हूँ आपको और डॉक्यूमेंट साबित करके दिखाऊंगा। पुरुषों को ही फंसाया जा रहा है सर, हिंदू का कायदे का मिसयूज हो रहा है, 90% महिला मिसयूज कर रही है, 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। ये नहीं है कि पुरुष भी मिसयूज नहीं कर रहा, पुरुष भी मिसयूज कर रहा है इस कायदे का, ये भी क्लियर स्टेटमेंट है क्योंकि हम मिडल स्टेट में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये पुरुष करके मैं सामने आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पुरुष भी मिसयूज कर रहा है, क्या एक महिला की हिम्मत हो रही है कि हिंदू का कायदे का मिसयूज हो रहा है ऐसा बोलने की? किसी महिला संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है उनको दिख रहा है सामने? आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो ना, बाकी तो छोड़ दो, आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो, लोकसभा पेपर निकले न्यूज है, पासपो कायदे का मिसयूज हुआ है। देखो 3.5 साल एक बंदा जेल के अंदर जाके आ गया और कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया है, पासपो नॉट अ जॉब, सख्त मजदूरी मिलती उसको सर, इतना बड़ा कायदा जब झूठा साबित होता है तो महिला ना उस सबको जेल के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहे कोर्ट, क्यों इस महिला को फाइन लगा पा रहा है? क्या हर बार हाईकोर्ट सर झूठ को डालना जरूरी है क्या? करके साहब बोलेंगे, बोलिए सर। सर ये कायद्याचं सारखं म्हणजे गैरफायदा होतोय, याच्यावरती कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे ना, समजा ते निर्दोष सुटला, कोर्टाने समोरची जे महिलांनी जे कंप्लेंट केलेली आहे तिला आतमध्ये टाकलं पाहिजे ना कोर्टाने, आणि काय होतं कौटुंबिक कायद्यामध्ये समजा एखादी सून पोलीस स्टेशनला जाती, तुम्ही सगळ्यांवरती कंप्लेंट करता, सगळ्यांना अडकवता, सगळ्यांना तारीख चालू होती, चौकशी का होत नाही की ह्यांनी नक्की हे केलं का नाही, कोर्टामध्ये डायरेक्ट केस चालू होणार, डायरेक्ट तारखा चालू होणार त्या, आणि त्या मुलावरती सगळं घर अवलंबून असतं, तो तारखेला जाणार, आई वडिलांना समाधान करते, ज्येष्ठ आई वडील असतात, पूर्ण घर त्याच्यावरती अवलंबून असतं, हे कोर्ट का विचार करत नाही? आणि अंधश्रद्धेवरती का कायदा चालतो? चौकशी पथक असलं पाहिजे, त्याला पुरुष दक्षता समिती असली पाहिजे, पुरुष आयोग असला पाहिजे, पुरुष मंत्रालय असलं पाहिजे,
जसं महिला बालकल्याण आहे तसं पुरुष बालकल्याण मंत्रालय असलं पाहिजे. दोघांचा विचार झाला पाहिजे. समान कायदा पाहिजे. फक्त एकासाठीच नाही पाहिजे. 498चा गैरवापर होतो. 125चा गैरवापर होतोय. तसं नाही झालं पाहिजे. दोघांसाठी समान झालं पाहिजे. महिला माझी आई पण आहे, माझी बहीण पण आहे, माझी मावशी पण महिला आहे. आम्ही महिला विरोधी नाही, त्या कायद्याविरोधी, एकतर्फी कायदेविरोधी आहे. फक्त तो कायदा दोघांसाठी समान व्हावा हीच आमची इच्छा. समान कायदा झाला पाहिजे. हिंदू हा कायदा पहिला केला नाही गेला आहे. महिला बोल सकती है, पुरुष ने मुझे मारा करके. पुरुष जाके बोले कपड़े तो कितने के दिखाओ मुझे, मैं चैलेंज देता हूं. पुरुष कपड़े लेता नहीं आपकी कि मुझे मेरे पति ने मारा. अरे एक महिला गुंडा भी है, वो हफ्ता वसूली भी करती है, वो एक पुलिस में भी जॉब पे है, वो आर्मी में भी है, सब कर भाई. महिला कहां कम है, वो पुरुष को मारती भी है. आज के पेपर में ऊपर मेरा और एक न्यूज आया, उसने 12 शादियां किया है. इसका मतलब महिला भी फंसा रही ना. मानने को तैयार कहा अभी तक. हमारी प्रवृत्ति जो है ना, वो प्रवृत्ति मानने को तैयार नहीं है. अब ये कविता बोल रहा है, दूसरा पूरा हमने आज दिया वकील का, तीसरा पूरा उसके अफेयर का जो है, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग, पूरा डॉक्यूमेंट्री ऊपर, वो उस पुरुष का नाम सब कुछ है. अगली बार अब तक कोर्ट ने पूरा लिया नहीं ना. अभी हम हर वक्त मीडिया को, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में ऊपर से बैठे थे, इसके बाद उस वक्त बॉम्बे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उस बॉम्बे में उस महिला के आफेयर के भी पूरा बाहर निकालेंगे. हमारे पास सब पुरावे है, सबके सब पुरावे है. पुरावे हो हम सामने नहीं आएंगे. हमारा कहना है कि हमें मजबूर मत करो बाहर निकालने के लिए. हमने प्रेम से बोला है कोर्ट को, हमें डॉक्यूमेंट दे दो, देने के लिए मौका दो. हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारा केस नहीं करो और उस महिला के ऊपर केस फाइल करो. ये होना चाहिए. नहीं हुआ तो अगर हम बंद नहीं हो गई उसमें कोर्ट की, महिला की जिम्मेदार उसका कोड़ा, वो महिला है. हमारा कोई संबंध नहीं उसमें, क्योंकि हमने हर एक को मौका दिया था. हमने लीगल कोर्ट को शुरू कर नोटिस भेजा था पहले 7 दिन पहले कि भैया आप 8 दिन का मौका दे रहे हैं. अगर माना तो अच्छी बात है, नहीं माना तो हम तो बाहर आ जाएंगे. फिर तो उनकी मर्जी है. एखादी जाओ चुकला तुम्ही पुलिस कंप्लेंट करा. काय असेल ते चौकशी करतील, त्यानंतर जावयाला मारतील, काय बोलतील ते पुलिस करतील. तुम्ही स्वतःहून त्याच्या जाणार जाता का मारणार जाता. एखादी जावयाला भेवणा मारणार, त्या मुलीचे आई वडील घेऊन मारणार, ते गुंड घेऊन येणार, मग हा अधिकार त्यांना कोणी दिला? आणि ते मारल्यानंतर त्यांच्यावरती कोणतीच कारवाई होणार नाही. आणि समजा एखाद्या सुनबाईला सासूसरे बोलले, लगेच त्यांना अटक, लगेच त्यांना झेल. आणि समजा सून उलटी बोलली, त्यांना मारलं, मग अटक का नाही, झेल का नाही? एकतर्फी कायदा काय? म्हणजे स्वतःच्या घरामध्ये स्वतःच्या आई वडिलांनी आणि त्या मुलांनी काय नोकर म्हणून आणि असं गुलाम म्हणून राहायचं का? आणि घाबरून राहायचं का? तो सगळं घर तो सांभाळला आणि तेच घाबरून राहायचं. अच्छा अभि सांगितलं, अभि परसों की पेपर की न्यूज है, पत्नी ने अपने पीर के साथ मिलकर अपने पति को मारा. अभी ये क्या चल रहा है? वही तो मैंने इतना सब कुछ होते हुए इतने सब कुछ कांड हो रहे हैं, फिर भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट छूप रहे. ये तालुका कोर्ट का जज डायरेक्ट सीधा 6 महीने के पूरा 1 टेक्टर निकल भी लगा देता है. एक लेटर जाने के बाद बोल रहे क्लियर कर दी उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट आंकड़ा होता है इस केस में, हमें बोलने का मौका दो. तालुका कोर्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आह्वान करे, हाईकोर्ट का आह्वान करे, सुप्रीम कोर्ट का आह्वान करे. और ये तमाशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? क्या बिल्कुल समझ के रखा है क्या हमें? अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो हमें जनता ने भी न्याय मांगने को आता है. फिर हमें भी मजबूर मत करो, हमें कोर्ट के घेरा बोलने के लिए. ये हमारा कहना है. न्याय के लिए न्यायपाल का बनाया ही गया है. कहा न्याय मिल रहा है? न्याय मिल जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम है. न्याय मिल नहीं रहा वो प्रॉब्लम. त्यानंतर असे असे कंप्लेंट द्या, ह्याच्यामधून असे पैसे भेटतात आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही तडजोड पैशानेच का करता? ठीक आहे, तुमच्यावरती अन्याय केला ना, तुमच्या नवऱ्याने अन्याय केला, तुम्ही न्याय सुप्रीम कोर्टात जावा, हायकोर्टामध्ये जावा, सेशन कोर्टात जावा, तुम्ही तडजोड पैशानेच का करता? याचा अर्थ तुम्हाला त्याच्यामधून पैसाच पाहिजे होता म्हणून तुम्ही येत आता. तुम्ही वरच्या वरच्या कोर्टात जावा ना, तुम्ही करा आंदोलन, उपोषण तुम्ही करा, तुम्ही दाखवा की माझ्यावरती अन्याय झाले नाही. तुम्ही त्या पैशानेच तडजोड का करता? पैशाचीच मागणी का करता? दोघांची वकील एकत्र का वाचतात? आणि शेवटी पैशानेच ना तडजोड होती, अन्याय झाला ना. जाणं वरच्या वरच्या कोर्टात जावा ना, करा ना खर्च, दाखवा ना चुकीचं आहे, त्याला फाशी द्या, हे द्या. पैशानेच तडजोड कौटुंबिक कायद्यामध्ये का होती? पैशानेच तडजोड नाही झाली पाहिजे. अन्याय झाला ना तर तुम्ही न्याय वरच्या वरच्या कोर्टात जाऊन नाही मागितलं पाहिजे. म्हणजे पैसे कमवायचा एक धंदा झाला का? चुकीचं आहे नाही. ओके सर, आपण जो प्रश्न आहे सफिशियंट आहे.